हमने कुछ नहीं किया था, हम तो बस घर पहुंचे थे। संतोषी जी, लाओ हम मदद कर देते हैं। नहीं नहीं ठीक है, आप बस किचन में हमारी मदद कर दीजिए। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? हम खोल देते हैं। अब आप ही बताइए, हम रसोई में कब गए और कब ये सब कुछ किया? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो भी फैसला होगा कोर्ट में होगा, अब हमारे पास वक्त नहीं है। अब क्या कह रहे हैं हम समझे नहीं। हे भगवान, मेरे कारण किसी निर्दोष के जीवन पर प्रश्न चिन्ह ना लग जाए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तो क्या आप सिर्फ सहती रहेंगी, लड़ेंगी नहीं? ये जानकर भी कि चीजू कल सुबह रिया से शादी करने वाले हैं। हाँ दीदी, कल सुबह जीजू रिया से शादी करने वाले, और उसके बाद आप चाहकर भी उनकी जिंदगी को बर्बाद होने से नहीं रोक पाएंगी। आप क्या बोल रही बिट्टू जी? अरे हाँ बेटी, बिल्कुल सही कह रही है, ये दोनों कल जाकर कोर्ट में शादी करने वाले हैं। और देखो एक बात तुम्हें और बता दूं, देखो बेटे, ये तुम्हें हटाकर धैर्य की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देखिए दीदी, जीजू को आप बचा लीजिए, एक मिनट। हाँ ये देखिए, देखा आपने, जिस अपराध की आपको सजा मिल रही, दरअसल वो अपराध आपने किया ही नहीं, ये सब रिया ने किया है। अगर हम तहरे सर को रिया जी के इस शादी के ड्रामे से नहीं बचा पाए, तो हम खुद को बिल्कुल माफ नहीं कर पाएंगे। भाई हम करें भी तो क्या करें? मुझे लगता है तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। कैसी बात कर रही है चाची, तभी तो तुम अपने पति को बचा पाओगी। पर ये गलत है, कभी सही समय पे सही जगह पहुंचने के लिए ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अब सही गलत के बारे में मत सोचिए, अगर आप जीजू को बचाना चाहते तो आपको यहाँ से भागना होगा। प्लीज, अगर हमने जरा सा भी वक्त जाया कर दिया तो फिर सारी बात हाथ से निकल जाएगी। बेटा तुम्हें एक बात और बताऊं, ये यहाँ की जितनी भी पुलिस है रिश्वत ले चुकी है। अरे आप समझते? अरे संतोषी, संतोषी क्या कर रही हो तुम? वरना जान से मारते गए। छोड़ दो उसे संतोषी। देखिए आप पहले बात वहां से रुकिए रुकिए, बड़ी खतरनाक लड़की है, ये कुछ भी कर सकती है। चलो खोल, चेहरा क्या देख रही है? कौन? जल्दी खोल रही हूँ, मुझे मत मारिए। हे इंस्पेक्टर, बंदूक इधर। हमने कहा बंदूक इधर, जल्दी 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 दो बंदूक। देखो बेटी, मैं तो मुझे कुछ मत करना, मेरे नजदीक मत आना। देखो हम बहुत डरते हैं और हमारी उम्र हो गई, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें अंदर मत बंद करना, अंदर हमें बंद मत करना। चल इधर चल, इधर चल। सब अंदर, सब अंदर। ये
अरे मैं कहा था आपको, अरे जल्दी जाओ वरना मुझे मार डालेगी। चल ताला बंद, ताला बंद कर। चल चाबी दे, चाबी दे। लेकिन ओके चाबी ढूंढो जल्दी, दरवाजा खोलो जल्दी। हम ढूंढ रहे हैं चाबी, अभी ढूंढते हैं वो। हम तब तक चाबी नहीं ढूंढेंगे जब तक कि संतोषी दीदी यहाँ से सुरक्षित बाहर ना निकल जाए। यहाँ तो नहीं दिख रहे, चल वहाँ देखते हैं। दोबारा भागने की कोशिश मत करना वरना इस बार मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चलो उतरो, चलो। चलो उतरो, भागना मत। चलो आ जाओ, आ जाओ। तुमने भागकर मेरा काम और आसान कर दिया। अब तुम्हारा इनकाउंटर, मेरा मतलब है तुम्हें मारना और भी आसान हो गया। तुमने क्या सोचा था, मेरे ही सामने, मेरे ही लॉकअप से मुझे ही चकमा देकर भाग जाओगी? तुम्हें मारने के लिए तो मैं पाताल में भी आता, क्योंकि तुम्हारी अर्थी सजाने के पैसे जो लिए हैं हमने, शराफत से कह रहे हैं वरना धक्के मारना हमें भी आता है। How dare you speak like that? ये हमारी गेस्ट है। हाँ नुपुर मैडम, इसीलिए तो मेहमान है, इसीलिए तो हम सम्मान से बात कर रहे हैं। वरना खैर, इन्हें कहिए शराफत से यहाँ से चले जाएं। अगर नाटक किया तो नाटक करना हमें भी आता है। आप अभी दहेज़ सर, आप हमें अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन हम इन्हें आपकी जिंदगी खराब तो नहीं करने देंगे। और ये हमारा खुद से वादा है। Thank you for coming, Inspector. जी प्रताप। रिया कौन है इसमें से? ये गिरफ्तार करो इसे। मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। धैर्य बोलो ना। हाँ मैं छोड़िए। इंस्पेक्टर मैं कह रहा हूँ ना, रिया ने कुछ नहीं किया। चुप रहिए आप। मैंने कुछ नहीं किया। वीडियो प्रूफ है हमारे पास इनके खिलाफ। अटेम्प्ट टू मर्डर एंड डिफेमेशन का केस बनता है इनके ऊपर। ले चलिए इसे। छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर लेकिन मैं कह रहा हूँ प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, वही समझा। इंस्पेक्टर प्लीज, गलत फहमी हुई आपको। आज इस घर की बहू के रूप में तुम्हारी नई शुरुआत है।
से हैं जो कि दिन में भी सपने देखे जा रहे, गाड़ी बंगला। हमने भी सोचा ना कि तुम लोग अब जरा पानी डाल करके नवाबी सपना उतारते हैं। वो कहा है ना, ये है तुम्हारा बंगला और हम है तुम्हारी बेगम। ए माधुरी, अरे कम से कम पानी तो ठंडा डाल लेती। जेब में पूरी कौड़ी नहीं है और ख्वाब देख रहे हैं गाड़ी और बंगला के। अरे अम्मा आज कुछ मत बोलो, आज हमारे पास 5 लाख रुपया है। अरे माधुरी बात ऐसी है। अरे पापा, पापा अब बेहतरी इसी में है कि हम अम्मा को कुछ ना बताए। आप तो जानते हैं कि एक बार हम अम्मा को कुछ बता दे फिर उनके पेट में बात पचती नहीं। ये बात सही कही तुमने, गुदगुदी हो जाती है। ठीक है, बताना है बताओ वरना भाड़ में जाओ। अरे तो सही। ये चिंदियों के पास 5 लाख रुपए आए कहां से? किसी बैंक में डाका वाका डाला है का? अम्मा कोई डाका वाका नहीं डाला, लेकिन हाँ कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर हमें बहुत मजा आने वाला है। अब बस देखते जाइए। अरे तुम हंस रही हो क्या? हमें परेशान हो रहे हैं कि इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? बताओ ना क्या हुआ है। अम्मा अच्छा सुन, बस थोड़ी देर की बात है अम्मा, फिर देखना क्या तमाशा होता है। चलिए अंदर चलते, चलिए अंदर। लगता है पैसे जेब में लेके आए हैं, बड़े वाले नोट हैं। अच्छा तो ये है इनकी तिजोरी। अरे पापा, अरे हमें तो ये लगता है कि अरे बाबू जानी की जीजा जी चेक लेकर आए होंगे। चेक चेक चलेगा तेरे बाबू, चेक भी चलेगा हमको। हाँ तो चेक चाहिए तुम्हें, अकाउंट है? हाँ, है? पापा का हमारे पास अकाउंट है। तो फिर तुम्हारा चेक काटते हैं, तुम्हारा जितना हिसाब है सब चुकता करते एक बार सामने हम। अच्छा तो पहली पेमेंट आप हमारी करेंगे? हाँ। अरे अरे जीजा जी मार काट रहे हैं यार। अरे भाई जो मार, अरे मार काट रहे हैं, मार काट रहे हैं। कुछ किया इसने? अरे ये, अरे क्या किया तुमने? अरे क्या था बताओ? कुछ नहीं किया यार। अरे हमको कहा मार रहे? बताते। अरे बताइए क्या किया इसने? हम मारेंगे इसे, बताइए क्या किया? बताते हैं। हाँ बताइए। अरे बाप रे, किसी काम का नहीं है तुम लोग। पैसे हमसे ले रहे हो और वीडियो किसी और को दिया? किसको दिया वीडियो तुमने? गुड्डू किसको दिया वीडियो? अरे पापा हमने किसी को कोई वीडियो नहीं दिया यार। बताओ किसको दियो? नहीं दिया। नहीं अरे पापा हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने किसको दिया? किसको दिया? अरे हमने क्या किया? अरे 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 काका, काकी आज हमने आप लोगों के पसंद का खाना बनाया, चलिए जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ आप दोनों कुछ परेशान से लग रहे हैं? बेटा आज तेरे का जन्मदिन है। अच्छा? हाँ बेटी, आज उसका जन्मदिन है और हमें हमें खुशियां मनानी चाहिए। हाँ तो मनाते ना खुशियां, दुखी क्यों हैं आप लोग? बेटी खुशियां तो हम मनाते, लेकिन 2 साल पहले हमारे पंडित जी ने हमें बताया कि इस साल से हमारे धैर्य के जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू होने वाला है, इसीलिए हम परेशान हैं। लेकिन बेटी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी संतोषी माँ है ना, वो हमारे धैर्य की रक्षा करेगी। करेंगी ना, जरूर रक्षा करेंगी। और फिर जब मन में संतोषी माँ के प्रति इतना विश्वास है तो क्यों पाल रखा है इस डर को मन में? निकाल फेंके इस डर को। आज इतना खास दिन है तो हम सबके लिए खीर बनाते हैं।
जन्मदिन मुबारक हो। रहने दो, खाना नहीं मुझे। क्यों धैर्य, आज शाम को अपनी वाली पार्टी हो जाए। भैया पार्टी में जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा यह केस लड़ना पड़ेगा। ये किस चीज के पेपर्स हैं? पहला, संतोषी से तलाक लेने के पेपर्स। और दूसरा, रिया की चार्जशीट है। मैं इस लड़की से छुटकारा चाहता हूं, तो मैं इस नौकरानी के साथ नहीं रह सकता। देखो धैर्य, मैं जानता हूं कि तुम रिया का केस लड़ना चाहते हो। हाँ, मैं इस घर का वकील हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब काम फ्री में होगा। भागदौड़ करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसे तो लगेंगे ना। हाँ तो ठीक है, जितने पैसे लगेंगे आप इनसे ले लीजिए। हम ये खर्चा क्यों दे भाई? क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई है तो क्या हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारे फालतू के खर्चे भी हम दें। अच्छा तो ठीक है फिर, मुझे भी ये बार बार ना भीख मांगना अच्छा ही लगता। मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, बस खत्म। जितना खर्च होगा मैं खुद उठा लूंगा। किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम? बिजनेस का हिस्सा। वाह, आज तक कभी ऑफिस में एक कदम भी नहीं रखा और आज हिस्से की बात कर रहे हो। धैर्य, ये सारा का सारा बिजनेस जो है ना, हमने अपने दम पर खड़ा किया है, सिर्फ हमने। उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं अपने इस घर के हिस्से को बेच के ना अपना केस लड़ूंगा। पापा प्लीज, आप मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। I don't need anyone. इस घर में तुम्हारा जो हिस्सा था वो हमने तुम्हारी पत्नी संतोषी के नाम कर दिया। इसे जन्म की सजा मिल रही। आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज उसका जन्मदिन है और आज के दिन ये सब होना था। ताकि थोड़े दिन की बात है, घर से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और खास दिन तो खास लोगों से बनता है ना। हम आज खुशी नहीं मना पा रहे तो क्या हुआ? जिस दिन धैर्य से ठीक होंगे ना, उस दिन दुगनी खुशियां मनाएंगे। हाँ, अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो बता देना, हम आ जाएंगे। आप यहाँ आके हमारा मन थोड़ा हल्का कर दिया। बेटा, अब दामाद जी का ख्याल अच्छी तरह से रखना, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना। ऐसे समय में बेटा, सारे परिवार की उम्मीद तुम पे टिकी हुई है, उनका भी ख्याल तुम्हें ही करना है। बच्चे, याद रखना बेटा, पत्नी के विश्वास से ही पति जीता है। हम पूरी कोशिश करेंगे दादी। ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हम समझते हैं बेटा, पर तेरी हिम्मत से ही घर वालों की हिम्मत है। बेटा, तेरा 16वां शुक्रवार का व्रत भी पूरा हो रहा है। उद्यापन के होते ही काकी के लिए रखा हुआ तेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। बेटा, अब
तो एक काम कर, आने वाले शुक्रवार से दामाद जी के लिए उपवास करना शुरू कर दे। संतोषी माँ का आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ, आप सही कह रही दादी, हम धैर्य सर का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमें संतोषी माँ पे पूरा विश्वास है, वो हमारे विश्वास को से टूटने नहीं देंगे। सब आपके हाथ में है संतोषी माँ, सब आपके हाथ। माते अपने ध्यान से जागिए और संतोषी के पति को इतना कठिन दंड ना दीजिए, उसके इस दंड से संतोषी को ही कष्ट हो रहा है। नारायण नारायण। हाँ माते, हम भी आपसे विनती कर रहे हैं माते, कृपा करके ध्यान से जाग जाइए माते, जाग जाइए। हम जानते हैं धैर्य सर ने आपका, हमारे भक्ति का हमेशा अपमान किया, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए माँ, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हे भगवान, ऐसा क्या कहूं इस बच्ची से कि इसके मन को दिलासा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है, अगर हम ऐसे कमजोर पड़ गए तो काका काकी का क्या होगा, अगर उन्होंने हमें ऐसे दिखा तो कमजोर पड़ जाएंगे। बेटी, अगर इस तरह तुम रोई मैं तो तकलीफ होगी ही, लेकिन काकी का क्या होगा, बेटी को तो टूट जाएगी। और धैर्य, उसको कहां से हौसला मिलेगा, इसलिए बेटे हमें कमजोर नहीं पड़ना। गौ माता, ये दंड हमने नहीं दिया, अब संतोषी को कैसे ज्ञात हो कि ये दंड उन ग्रहों का प्रभाव है जिन्होंने संतोषी के पति के जन्म दिवस से अपनी स्थिति बदली है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। किंतु माते, ऐसा कौन सा ग्रह है जो इतना पीड़ादायक है? ये शनि देव का प्रकोप है जिससे कोई भी मनुष्य भाग नहीं सकता। गौ माता, ये प्रकोप इतना बलशाली है कि त्रिदेव भी इससे बच नहीं सके। प्रत्येक मनुष्य को शनि देव के इस प्रकोप से भय होता है, किंतु सत्य तो ये है कि मनुष्य हो या देवता, सभी को न्याय के देवता शनि के इस निर्णय को भोगना पड़ता है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा माते? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि संतोषी के पति की पीड़ा का ये केवल प्रारंभ हुआ है। क्या हुआ संतोष? अरे बेटी क्या हुआ? काका धैर्य सर अभी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लगता है उनके सेहत में सुधार हो रहा है। धैर्य, नहीं
बेटे तू चिंता मत कर, बेटे धीरज रखो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। संतोषी, इसे कुछ खिलाओ बेटा, इसको शक्ति मिलेगी। जी। नहीं, मुझे संतोषी माँ के भक्त के हाथ से कुछ देखा रहा। संतोषी, तुम्हारे जीवन के पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। कैसे निकल पाओगे तुम सब संकटों से? इसलिए मैं कह रही थी ना कि एक नर्स को रख लो। एवरीबडी नोज कि डैडी संतोषी को जरा भी पसंद नहीं करता। अब डैडी को कौन खाना खिलाएगा, कौन इसका ध्यान रखेगा? आई मीन, नर्स ऐसी सिचुएशन में ट्रेन होती है। मेरा कहने का मतलब ये था, दैट्स व्हाट। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, समझी? जब तक हम जिंदा है, हमारी बेटे की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। हम खिलाएंगे उसे खाना, अपने बेटे को हम खिला सकते हैं। संतोषी बेटा, देना। ये बेटा, अपनी माँ के हाथ से खाना लेगा ना, ये ले सूप है, थोड़ा सूप भी ले। ये मेरे बच्चे, हाँ ये। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।